स्ट्रॉबेरी है। तो देखें जी, नाम भी उन्होंने बड़ा आसान सा रख दिया ताकि याद करने में आसानी हो। और ये बिल्कुल साथ जो है ना, अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन भी है। तो अगर मैं मेट्रो पे आता तो यहाँ पे उतरना था। तो अभी मैंने कोशिश करता हूँ कि बस थोड़ी देर इधर रोकें, मैं जल्दी से जो है निकल जाऊँ। यहाँ पर पुलिस खड़ी है, अदरवाइज़ तो हमने जो है ना वो इधर एक ब्रेक लगा लेनी थी। थैंक यू उमर भाई, उमर अल्लाह हाफिज़। हेलो दोचलान, जय मैनी। काफ़ी रश है, आई थिंक ये भी स्टेडियम आज जो है वो फुल होगा, लेकिन खैर अंदर जाके देखते हैं कि कैसा माहौल है। अंदर भी जाके देखते हैं, देखते हैं रश है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो है ना बूथ बने हुए हैं, सामान वगैरह बंदा जो है वो सारा रखवा के जा सकता है। स्टेडियम जो है वो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ऊपर जो है ना वो आर्च टाइप उन्होंने बनाया, और कुछ खास जो है ना बाहर से ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो मॉडर्न स्टाइल में जो स्टेडियम से बनाए गए, ये उनमें से एक है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 40,000 है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है। तो उम्मीद है कि अंदर से ज़रा वो खचा खच भरा होगा ना, खचा खच होना चाहिए ताकि ज़रा शोर शोर भी आए और मज़ा आए इन्जॉय करने का, मैच देखने का। ये गेट 13 है, हमने जाना है जी गेट नंबर 20 पे। ये 12 है तो हमने बस इसी साइड पे जो है ना वो दौड़ लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूं कि जो सिक्योरिटी है ना यहाँ पे, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो तुनीजिया से, मोरक्को से, और साथ में आई थिंक इजिप्ट से भी जो है ना वो लेके आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी वाले भी जो है ना आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और ये आ गया जी हमारा गेट नंबर, यहाँ से इंटर हो जाएंगे हम लोग जी। बिल्कुल पहुँच चुके हैं सामने, यहाँ से एक्चुअली हमने इंटर होना है। एक चीज़ बताता चलूँ कि इस टिकट के पैसे मैंने दिए थे 630 रियाल, क्योंकि मैंने जो फीफा की वो होती है ना रीसेल प्लेटफॉर्म, वहाँ से ख़रीदी थी। और मेरे ख्याल में $175 के आसपास बन जाएंगे। तो चलते हैं अंदर। स्टार्ट हो चुका है मैच, क्या कमाल का स्टेडियम है अगर आप इसको देखें तो। अभी तक तो भरा हुआ है। वो सामने वाला एरिया जिसमें आई थिंक मीडिया वाले हैं, जो खाली आपको सीटें नज़र आ रही हैं ना, मे भी अगर कोई लोग उसकी तस्वीरें अपलोड करें और बताएं कि स्टेडियम जो है वो खाली था, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली था। आज तो हमारी सीट जो है बड़ी ऊपर जा के आ रही है, कहाँ पे चली गई भाई, इतने पैसे भी दिए इसके। व्यू लेकिन यहाँ से भी बड़ा कमाल का आ रहा है, पूरा स्टेडियम जो है ना आप देख सकते हैं। ये कैटेगरी 2 की टिकट है, वहाँ पे देखे सारा जो ब्लू सेक्शन है वो जापान के, और अंदर भी काफ़ी ये मिक्स्ड सेक्शन है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। बहुत ही कमाल का स्टेडियम है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइट्स ऑन हो रही हैं, और आप ऊपर चेक करें वो जो टावर है ना पीछे, टॉर्च टावर, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है स्टेडियम के साथ। इस तरह का मैंने और किसी जगह पे देखा नहीं है। और इसके अंदर जो होटल है वो भी कमाल का होगा, खैर आजकल तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा वैसे ही। बाकी तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यार एयर कंडीशनिंग ने तंग किया। ये दूसरा मैच मैं देखने आया हूँ, पहले मैच में भी ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चला रहे होते थे ना, जैकेट नहीं लेके आए, यहाँ पे तो बंदा जो है वो बैठा नहीं जा रहा। शुक्र है कि एटलीस्ट थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग है, नहीं तो इधर उधर सब लोगों ने अपनी जैकेटें निकालनी है और बनाओ एयर कंडीशन यहाँ पे। क्योंकि यार मौसम 27-28 डिग्री बाहर है, इन्होंने इधर 16 डिग्री की हवाएँ चला रहे हैं। देखें जैकेट आ गई है सामने। कितने खुश हैं, भाई जान 2 गोल हो गए हैं।